हमें वेट करते हुए 1 घंटा हो चुका है, 12:30 बज चुके हैं। आ जाओ आ जाओ, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। क्या कर रहा हूँ? गेट के अंदर आप? गेट के अंदर नहीं आ रहा मैं। गेट के अंदर मत आओ भैया, गेट के अंदर नहीं आ रहा मैं। अपनी गुंडागर्दी कर रहे हो ऐसे यहाँ पे? गुंडागर्दी? आप लोग चलान का 10,000 चलान का 20,000 मांग रहे हो? 20,000 चलान मांग रहे हो? 11 बजे रात को 20,000 चलान मांग रहे हो? सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11 बजे, और रीजन इसका बिहाइंड ये है कि भाई मनीष को पुलिस वालों ने पकड़ लिया सेक्टर 21 द्वारका में। और भाई पकड़ने के बाद भी उस बंदे के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है और पॉल्यूशन नहीं है। पॉल्यूशन उसका 1 महीना पहले एक्सपायर हो चुका है, तो पॉल्यूशन का जो भी चार्ज बनता है भाई हम लोग पे करने के लिए रेडी है। बट हुआ क्या कि भाई जब तुम लोगों को पता है कि जब गवर्नमेंट अप्रूव्ड है डिजी लॉकर, तो डिजी लॉकर के अंदर अगर बंदा लाइसेंस दिखा रहा है तो डिजी लॉकर के अंदर वैलिड करो ना। अब ये बंदे वैलिड नहीं कर रहे हैं और उस चीज का भी चलान काट रहे हैं 5,000 रुपए का। तो अभी हम चलान काट चुके हैं और अभी हम लोग सेक्टर 7 के रेड लाइट पे है और काफी जाम भी लगा हुआ है। और मनीष अभी अकेला ही है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहां पे, देखते हैं कैसा सिचुएशन है। तो जैसा भी सिचुएशन होगा आप लोग उसे शेयर करेंगे। और भाई एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग, भाई दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो आप लोग प्लीज अपनी गाड़ी का पोल्यूशन जरूर करवा के रखे, सारे डॉक्यूमेंटेशन करवा के रखे, नहीं तो पुलिस वाले आप लोगों को पता है किसी के भी नहीं होते भाई, वो तो चलान से ही उनको मतलब है और उनको हल्की से हिंट मिलनी चाहिए। बुरा मुझे ये लग रहा है कि भाई डीजी लॉकर जब अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से तो वो लोग क्यों वैलिड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और वहां पे जाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। और ये वीडियो अगर भाई रियलिटी में अगर आप लोगों को लगेगी भाई सजेशन वाली है और मैं अगर गलत बोलूंगा और गलत दिखाऊंगा, और भाई लाइक मत करना, वो कमेंट में मुझे गाली और जरूर देना। भाई मैं ये चीज दिखाऊंगा कि अगर उस बंदे के पास अगर डिजी लॉकर के अंदर अगर डॉक्यूमेंटेशन है और उसके बाद भी अगर चलान कट रहा है तो ये गलत चीज है। तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और उसका शायद गाड़ी भी जब्त कर ली है, कह रहे हैं द्वारका से मुकुट से छुड़ा ली है। सो चलते हैं और देखते हैं क्या होता है भाई पुलिस वालों का, फिर पुलिस वालों का भी सीन देखते हैं, उसके बाद आप लोग से डिस्कस करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि आप लोग भी आगे से क्या क्या सावधानी रखें। भाई आज शादी का बहुत ज्यादा माहौल है तो जाम भी लगा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं रोड पे काफी सारे गाड़ियां लाइन से लगी हुई है। आज से स्टार्ट हुआ है लगन सारा, और अभी हम पहुंचते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। टाइम दिखाया। अभी मनीष ने लोकेशन भेजा है, उस लोकेशन पे हम लोग जा रहे हैं और रात के बज चुके हैं 10:30 हो रहे भाई। ये देखो पहुंचते और आप लोगों को दिखाते वहां पे क्या कार्रवाई हो रही है। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, लॉक कर देता हूं पहले गाड़ी को। अभी हम पहुंच चुके हैं सेक्टर कौन सा ये? सेक्टर 9। वो देखो मनीष वहां पे खड़ा है। सेक्टर 22 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाला। हुआ क्या? हुआ क्या? क्या रीजन क्या था? पोल्यूशन नहीं था गाड़ी का? ठीक है, तो लाइसेंस तो तेरा डिजी लॉकर में है ना? तो दिखा दिया मैंने, फिर भी काट दिया। फिर भी काट दिया इन्होंने डिजी लॉकर में होने के बाद? भैया लोगों कहाँ है? भाई डिजी लॉकर के अंदर ऑलरेडी और वैलिड लाइसेंस भी दिखाया इनको, लेकिन उसके बाद भी छोड़ नहीं रहे हैं और ऊपर से चलान इन्होंने और काटा है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गलती जो हुई है उस चीज़ के लिए तुम चलान काटो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ हमारे पास वैलिड है और जो चीज़ हमारे पास मतलब कि डिजी लॉकर है जो कि अप्रूव्ड बाय NCT जो जिसने भी अप्रूव कर रखा है, उसके बाद भी इन्होंने चलान काटा है। ठीक है, तो मैं तो भाई बहुत अनोयड हूँ और मैं आप लोगों को भी सजेशन करता हूँ कि भाई अगर जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो भी अपना वेबसाइट्स है उस पर या तो वैलिड नहीं है, वो केजरीवाल जी देख रहे हैं इस वीडियो को भी, उसके बाद भी कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अभी मैं सेक्टर 22 के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में खड़ा हूँ, सेक्टर 22। उसके बाद भी इन बंदों ने क्या किया है डिजी लॉकर के अंदर रहने के बाद भी
दो चालान काटा है, पॉल्यूशन अगर नहीं है तो पॉल्यूशन काटो, वैलिड है। उसके बाद भी भाई लाइसेंस से काटा इन्होंने, वो गलत है। उस चीज के लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो चीज इसके अंदर वैलिड है, उस चीज के बाद भी इन्होंने चालान काटा है भाई, तो या तो डिजी लॉकर की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, वो देखो अभी जा रहे हो वहाँ पे, ये हाँ ये बंदे जा रहे हैं यहाँ पे, वो सुनी थे वो गाड़ी भी यहीं से छोड़ती है क्या? गाड़ी भाई कितने बजे? क्या भाई क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोगों ने जो गलती की है उसके लिए बना रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं कुछ नहीं, हाँ गाड़ी कब मिलेगी भाई? गाड़ी आप लोग कल दोगे ना? क्या कह रहे थे? नहीं नहीं एक मिनट रुक जा, गाड़ी कब मिलेगी? गाड़ी कल मिलेगी। नहीं अभी क्या कह रहे थे, गाड़ी कब मिलेगी? कोई बात नहीं, छुपने से कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। छुपने से कोई भी फायदा नहीं है, जो तुम लोगों ने गलती की है ना या तो उसका भुगतान भर दो, नहीं तो तुम्हें तो बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है अब, ठीक है। गाड़ी कब मिलेगी भाई? सोशल मीडिया का भी आप लोग पावर जानते नहीं हो। हमारी गाड़ियाँ जो तुम कर रहे हो ना, जो बंद कर रहे हो, गाड़ी बंद कर लो, लेकिन वैलिड चीज का आप लोग बताओ, वैलिड चीज का, समझ गए? इधर कर गाइस, मैं यही कहूंगा भाई, जितने भी अपने यंगेस्ट ब्रदर है मेरे, जितने भी छोटे भाई है, जितने भी बड़े भाई है, सब लोगों से यही गुजारिश है, अगर डिजी लॉकर में अगर आप लोग लेके चल रहे हो, उस चीज का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले बिल्कुल भी वैलिडेशन नहीं ले रहे हैं, रात को बंदे को पकड़ के चालान काट रहे हैं, क्योंकि उनको पता रात को कोई सुनवाई है नहीं, ठीक है। और अभी भी देखो गेट इन्होंने बंद कर दिया, हमारी गाड़ी अंदर खड़ी है, कोई फायदा नहीं है इस सब चीज का। भैया क्या नाम है आपका? यहाँ पे दिखा भाई, यहाँ दिखा, क्या नाम भैया? ये बंदा नाम बताने से घबरा रहा है, क्यों? क्योंकि इसको मना किया गया है। वो बंदा अब यहीं पे था, अब वो वहाँ दूर जा चुका है, क्योंकि इसने हमारी गाड़ी अंदर बंद कर दी है बस पैसे लेने के लिए, क्योंकि हमने इनको पैसा दिया नहीं है इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। और ये अभी हमसे मांग रहे थे 20,000 रुपये, हमें गाड़ी छोड़ देंगे, और हमने इनको 20,000 रुपये दिया नहीं है इसलिए इन्होंने गाड़ी बंद कर दी है। तो कोई बात नहीं, आप गाड़ी बंद कर दो, हम गाड़ी छोड़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम भी आपका? नाम तो बता दो। जूते तो पुलिस वाले पहन रखे हैं, पुलिस वाले ही होंगे आप। इन्होंने क्या लिखवा रखा है? गाड़ी को रिलीज कराने के लिए जरूरी दस्तावेज, लाइसेंस, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी। अगला फोटो दिखा रहा है तो तुम क्यों नहीं छोड़ रहे हो भाई गाड़ी? जब बंदा फोटो दिखा रहा है तो तुम्हें पैसे चाहिए। जब फोटोकॉपी अलाउड है तो क्यों नहीं छोड़ रहे हो गाड़ी? कोई बात नहीं, अब छुप के कोई फायदा नहीं है भाई, छुप के कोई फायदा नहीं है, टाइम भी दिखा चुके हैं, कहाँ पे बैठे हुए भी दिखा चुके हैं। सो गाइस ये देखो, इन्होंने जो जो यहाँ पे इन बंदों ने लिखा हुआ है, कोर्ट के जुर्माने के दोनों तरफ की फोटोकॉपी दो, लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी। अभी हम इन लोग इनको मोबाइल में दिखा रहे हैं, जो कि अपना डिजी लॉकर है, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, बंदे इसको देखने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं। और अभी एक बंदा जा चुका है दूर, और एक बंदा जो यहाँ बैठा हुआ था वो अंदर चला गया है, और ये अभी ताला बंद है, हटियो, ये इन्होंने ताला बंद कर दिया हमारी गाड़ी बंद करके, जबकि बंदा जा नहीं सकता क्या? जा सकता है, अब क्या करें? तो भाई इनकी तो गुंडागर्दी चल रही है अभी भी। अरे बाहर तो आ जाओ भैया, कोई फायदा नहीं है छुप के। मनीष हुआ क्या था तेरे साथ? रेड लाइट से तू पार किया और इन्होंने गाड़ी पकड़ ली, और जब इनको वैलिडेशन लाइट ग्रीन दे, अच्छा लाइट ग्रीन दी, उसके बाद भी इन्होंने पकड़ लिया है। और चलान किस किस के चीज का काटा इन्होंने? लाइसेंस का और पोल्यूशन का। पोल्यूशन का तो कोई बात नहीं भाई, पोल्यूशन हमारा नोट वैलिड है यार, चलान का ठीक है, पोल्यूशन तुम 10,000 रुपये काट लो, लेकिन लेकिन लाइसेंस का इन्होंने क्यों काटा है? लाइसेंस का गलत चीज है, कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। लाइसेंस क्या रहा है, लेके चलो, ओरिजिनल लाइसेंस लेके चलेंगे। सर क्या हुआ? एक घंटा हो गया हमें, हमें वेट करते हुए एक घंटा हो चुका, 12:30 बज चुके हैं। आ जाओ, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। क्या कर रहा हूँ? गेट के अंदर नहीं आ रहा मैं। गेट के अंदर मत आ भैया, गेट के अंदर नहीं आ रहा मैं। अपनी गुंडागर्दी कर रहे हो ऐसे यहाँ पे? गुंडागर्दी? आप लोग चालान का 10,000 चालान का 20,000 मांग रहे हो, 20,000 चालान मांग रहे हो, 11 बजे रात को 20,000 चालान मांग रहे हो। बंद करो ना इसको, बुलाओ, सब है, सब है, आ जाओ, बुलाओ।
भाई एक तो इन्होंने गलती की है, एक तो घूस मांग रहे हैं, ऊपर से ये कह रहे हैं कि हमें ये जेल में डालेंगे, ठीक है। 10,000 रुपये जुर्माना कर रखा है इन्होंने, 5,000 रुपये का वैलिड चलान है, जबकि गवर्नमेंट ने 5,000 रुपये का जब गवर्नमेंट ने बोल रखा चलान है, इन्होंने डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट देखने के बाद भी इन्होंने चलान काट रखा है, और ऊपर से अभी कह रहे हैं कि हम लोग इनके दरवाजे के अंदर घुस रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा आप लोगों ने चोरी घुसेटी बना रखा है का? अंदर नहीं आ रहा, आप लोग को 20,000 रुपये चाहिए ना, रात को 20,000 रुपये चाहिए, अभी आप लोग को दूंगा मैं। हैं तुम मांग रहे हो अंदर बैठे हो, तुम मांग रहे हो हैं? कम मांगे, अभी बताऊंगा ना, अभी रुक जाओ, वीडियो में नहीं मांग रहे हो ना, अभी मांगोगे आप, बदतमीजी अब आप कर रहे हो, पुलिस को बुलाओ, अभी सब पता चलेगा, सारी वीडियो ऑनलाइन चल रही है, सब देख रहे हैं आपको, समझ गए, जो बातें बोल रहे हो वो भी देख रहे हैं। अंदर कोई भी नहीं आ रहा भाई साहब, आपका ताला बंद है, आपका ताला बंद है, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो बदतमीजी, बदतमीजी किसी ने भी नहीं की है, समझ गए, और अंदर छुपने से काम नहीं चलेगा, घुस लेना बाहर आओ। सो गाइस 12:30 बज चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं, और बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है, पूरा भाई चोरी चमारी सब घुसेटी सब चल रही है दबा के, और ये देखो भाई इन्होंने ये चलान भर ये दे रखा हमें काट के, रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का ये है, क्लास ऑफ मोटर्स अशोक कुमार जी असिस्टेंट का इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर है, और इन्होंने जो चलान दे रखा हमें, चलान का है 10,000 का इसका, हाँ पॉल्यूशन विदाउट पॉल्यूशन का है भाई, 10,000 रुपये का चलान है और विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, जबकि हम लोग इनको ड्राइविंग लाइसेंस डीजी लॉकर में दिखा रहे हैं, उसके बाद भी इन्होंने हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का चलान काट दिया है, और ये कह रहे हैं कि कोर्ट में दिखा देना, कोर्ट में दिखा देना, हम तो दिखाएंगे, काट क्यों रहे हो यार, जब है वहाँ दिखाने का क्या मतलब, जब वैलिड रीजन है भाई हमारे पास, उसके बाद भी आप अगर आप लोग चलान काट रहे हो तो गलत चीज़ है ना यार ये, या तो आप लोग बोल दो भाई डीजी लॉकर बिल्कुल ख़राब है, वो 2 नंबर का ऐप है, तुम लोग मत यूज़ करो, जब दिल्ली की गवर्नमेंट बोल रही है वो वैलिड है, उसके बाद भी अगर आप लोग चलान काट रहे हो तो ये गलत चीज़ है ना यार, उसके बाद भी आप लोग बोल रहे हो कि 20,000 रुपये दे दो छोड़ देंगे गाड़ी, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब यही है भाई, जब घूस दो अपनी गाड़ी छुड़ा लो, मतलब ऐसे तो किसी भी आम जनता को पकड़ लो कि घूस लोगे छोड़ दोगे, मतलब कि दिन दिहाड़े चोरी कर रहे हो आप लोग, ये तो रात हो गई अब तो, ट्रैफिक पुलिस वाले दिन दिहाड़े चोरी कर रहे हैं भाई, ऑफिस वाले को आते जाते परेशान कर रहे हैं, वो चलान उल्टा सीधा जो जो डॉक्यूमेंट्स अपने जेब में है उसका भी चलान काट के दे रहे हैं कि भाई ये लो जो करना कर लो, गुंडा कर दिया पूरी भाई। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना, अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर देना, बाकी मिलते हैं आप लोगों से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए भाई टेक केयर, अपना अपने माँ बाप को ख्याल रखना भाई, और पुलिस वालों से बच के रहना, ये साले किसी के नहीं है, मैं गाली नहीं दे रहा, ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा मेरा कि भाई साहब जिस चीज़ का चलान नहीं काटना चाहिए उस चीज़ का भी चलान काट रहे हैं लोग, समझ रहे हो, मैं इनको गाली दे रहा, मैं किसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मैं बदनाम नहीं कर रहा, बदनामी बस ये कर रहा हूँ कि भाई साहब जिस जो चीज़ मेरे पास वैलिड है उस चीज़ का चलान क्यों काट रहे हो आप लोग, क्यों काट रहे हो भाई, क्यों, क्योंकि हम लोगों इनसे पूछेंगे नहीं और ये लोग किसी को जवाब नहीं देना, क्योंकि इनके पास पावर है भाई, पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं ये लोग, बात ख़त्म। कोई फायदा नहीं भाई, चोरी घसीटी है सारी की सारी, भीख मांग रहे हैं ये लोग भीख, इससे अपने रोड पे आ जाएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, पब्लिक आम पब्लिक से पैसे ले रहे हैं, वो देखो भाई अंदर के अंदर ही बंदा है और वो आ नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि वीडियो बन रही है, ये यूट्यूब पे जाएगी तो इसकी इंसल्ट होगी, ये सारे के सारे चोर बंदे है, मैं इन सबके सामने बोल रहा हूँ, वो देखो आप लोग को दिख रहा होगा बंदा अंदर ही है, सारे के सारे भाई घुसपैठी है ये भाई। 11:01 हो चुके हैं और सारे के सारे बंदे अंदर चले गए, हमारी जब देखा ना इन्होंने कि हम वीडियो बना रहे हैं, सारे के सारे बंदे अंदर घुस चुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पहले बैठे हुए थे, जब देखा इन्होंने वीडियो बना रहे हैं सारे के सारे अंदर चले गए, और उसके बाद उल्टा सीधा बदतमीजी भी कर रहे हैं ये, समझ रहा है, मैं जब मानता दिल्ली पुलिस को कि जब भाई साहब एक साला बम नहीं फूटता दिवाली वाले दिन, तब मैं मानता कि साला पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग, अरे दुकानों में बम पकड़ के साले घर पे ले जाके तो लड़कों को भी लड़कों से फोड़वाते अपने, और जितना है भाई दिल्ली पुलिस वालों ने बम फोड़ा है ना उतना किसी ने भी नहीं फोड़ा है, और ये पोल्यूशन कम करने का नसीहत देते हैं, ये क्या बोल रहे थे वो,
वो उस पिज्जा डिलीवरी की गाड़ी पकड़ के, वो एक ने तो बिरयानी ले रखी थी, दूसरे ने पिज्जा ले रखा, तो उसको कह रहा अभी खा जा पिज्जा। बंदा यार बताया क्या क्या सा जवाब दे रहा था यार, कह रहा मतलब डिलीवरी बॉय वालों का भी भाई साहब यार, एक तो बंदा मेहनत करते हैं और ऐसा नहीं कि वो सभी लोगों के पास नहीं, जबकि दिल्ली पुलिस वाले भी ऑर्डर करते होंगे ना तो वही बंदे लेके जाते हैं, और आज भाई साहब डिलीवरी बॉय वाले भाई भी उन्होंने दस ये तक बोला सर 600 रुपए का पिज्जा बहुत महंगा, मेरे को एटलीस्ट डिलीवर कर लें दो, कह रहा खा जा भाई साहब इन लोगों को। पता भाई एंड में क्या बोला, सर 200 रुपए मिलते हैं, 600 रुपए का पिज्जा कहाँ से खा लूंगा, कितनी बड़ी बात बोल रहा है यार भाई साहब। इन लोगों के बच्चे ना इसीलिए साले, आप देखो मैं कुछ बोल नहीं रहा, ये बस भड़ास निकल रही है, और आप लोगों को भी पता है कि भाई साहब मैं क्या बोलना चाहता हूँ यार, जमीन मरा हुआ है यार, साला पूरी रात बंदा उठ के काम कर रहा है, डिलीवरी बॉय कर रहा है, डिलीवरी बॉय बना हुआ है कि भाई साहब चलो कोई बात नहीं डिलीवरी करके कुछ पैसे घर पे आएंगे, और वो पढ़ने लिखने वाले बंदे होंगे यार, अपना पार्ट टाइम खर्चा कर रहे होंगे यार, जिसको पकड़ना उसको पकड़ो ना यार, उसे चालान काटो ना यार, बस क्योंकि तब तो पकड़ेंगे यार तुम लोग। हाँ वैलिड रीजन है, आप लोग चालान काटो कोई दिक्कत नहीं है यार, कहाँ मना कर रहा है, ठीक है काट दो पोल्यूशन का भाई, हम भर रहे हैं, हमारे पास पोल्यूशन नहीं था, आप हमारे पोल्यूशन का चालान काट दो, लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस है उसके बाद भी अगर आप चालान काट रहे हो ये गलत चीज है ना यार।